चलिए 1.1 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनिलीन समझाऊंगा और आर्थो इफेक्ट समझाऊंगा, ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। बड़ा अच्छा है आर्थो इफेक्ट, आपको एनिलीन में जब समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। आपने आर्थो इफेक्ट लास्ट क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड पर, बेंजोइक एसिड पर समझा था, है ना? तो बेंजोइक एसिड पर हमने आर्थो इफेक्ट समझा था, आज हम आर्थो इफेक्ट समझेंगे एनिलीन पर, और एनिलीन की पूरी बेसिसिटी कैसे वेरी करती है वो आपको मैं समझाऊंगा। चलिए, बेसिसिटी ऑफ एनिलीन ध्यान से सुनना। एनिलीन और बेंजोइक एसिड, ये दो ऐसे हैं जिन पर आर्थो इफेक्ट लगता है। आर्थो इफेक्ट ध्यान से सुनना, आर्थो इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन एनिलीन एंड बेंजोइक एसिड, दो जगह केवल बेंजोइक एसिड और एनिलीन पर आर्थो इफेक्ट हमको दिखाई देता, और कहीं आर्थो इफेक्ट नहीं दिखता। और लास्ट क्लास में बेंजोइक एसिड पर पूरा कंप्लीट मैंने आर्थो इफेक्ट आपको समझाया था, और मुझे उम्मीद है कि उसमें पूरा समझ आ गया होगा आपको कैसे एसिडिटी एसिडिटी आर्थो बेंजोइक एसिड की चेंज होती है, कितना मतलब जो सोचते हैं उससे बिल्कुल उल्टा होता है, यहाँ भी आप जो सोचोगे उससे उल्टा है, ठीक है? तो हम आर्थो इफेक्ट और स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हम एनिलीन के केस में समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिलीन का स्ट्रक्चर पर, ध्यान दें थोड़ा सा। ये देखो, ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है, और हम थोड़ा पहले अमोनिया से इसका कंपैरिजन कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ताकि सब बच्चे उसको आप अच्छे से समझ पाए। बताइए, अमोनिया और एनिलीन में कौन ज्यादा बेसिक है? ये आपके सामने दोनों है, अमोनिया और एनिलीन में कौन ज्यादा बेसिक है? तो ऑब्वियसली अमोनिया ये मोर बेसिक, अमोनिया इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू एनिलीन। ये एनिलीन से अमोनिया बहुत ज्यादा बेसिक है। अच्छा, इसमें बड़ी सिंपल बात हमको नजर आती है, हम सब जानते हैं कि लोन पेयर, ये जो लोन पेयर दिख रहा है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन रेजोनेट विद डबल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो लोन पेयर है इजीली रेजोनेट कर जाता, और अपन ने इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, सबको याद होंगे। तो लोन पेयर रेजोनेट किया बेंजीन रिंग में, ये यहां आ गया और अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें ये मिलने लगता है, और बाकी सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, सबको ध्यान होने चाहिए, हम लोगों ने सभी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये देखिए, यहां पर आ गया ये निगेटिव चार्ज आ गया। अब बताइए, जब लोन पेयर यहां से यहां रेजोनेट कर गया तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गई? कम हो गई। यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर डोनेशन टू एच आयन डिक्रीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो हमको बड़ा सिंपल बात समझ आ रही है कि यहां से यहां ये रेजोनेंस हो रहा है। कौन सा रेजोनेंस है इसका? ये प्लस आर है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेट विद द बेंजीन न्यूक्लियस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन दिस नाइट्रोजन डिक्रीज। सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन डिक्रीज एज कंपेयर टू अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में यहां पे कहीं भी रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है,
ठीक है, तो जो लोन पेयर हमको दिखाई दे रहा है जितना उसकी डेंसिटी हमको दिखाई दे रही है उतनी है, बट यहाँ पर तो काफी ज्यादा डिक्रीज हो रही है और बाकी आगे फिर आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसे हमें ध्यान रखना है, ये खास बात। तो मेन बात फिर से एक बार, ये लोन पेयर और ये बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड रेजोनेट कर रहा है। आप ध्यान से सुनिए कि क्या हो रहा, आगे वाला केस अपन समझते हैं। अब देखिए मैं ये केस ले रहा हूं, इसको समझिए। यहां पर मैंने ले लिया CH3, सब जानते हैं ये आर्थो पोजीशन है, सब जानते हैं इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एक बार फिर से बना देता हूं, ये इस तरह से अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये, और ये काफी ज्यादा फैले हुए हैं, इनका वांडरवाल रेडिया, इनका वांडरवाल रेडिया ये पूरा इस तरह से फैला हुआ है सब चारों डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से फैले हुए, ठीक है। अब तुमको एक बात समझा दें कि जो यहां पर स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, या दो दो तरह की चीज होती है, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस जो मैंने आपको बेंजोइक एसिड में पढ़ाया था, वैसा हमको यहाँ एनिलीन में भी दिखेगा, पर वो यहां नहीं दिखेगा, एनिलीन के इस केस में नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हमको यहां दिखेगा जब हम इसे एच आई एन डोनेट करेंगे, अच्छे से समझिएगा बात को। ये एच आई एन इस पर अटैक करेगा, एच आई एन का मतलब ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये एसिड की तरह काम कर रहा है और ये बेस की तरह काम कर रहा है। ये लोन पेयर धीरे 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 इसको आप डोनेट करेंगे, ये डोनेट किया, इसको हम बोलेंगे प्रोटॉन का इस पर अटैक हो रहा है, प्रोटॉन जुड़ रहा है इससे। अब समस्या कहाँ आएगी, देखिए ये समस्या को समझना है, इस समस्या को समझना है, प्रोटॉन के जुड़ने के बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस समस्या को आपको अच्छी तरीके से समझना है। ये देखो, ये है एनिलीन, ये एनिलीन है, और ये पेयर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहां पर कितने ग्रुप लग गए, 1 2 3 ये हाइड्रोजन यहां पर है, और यहां पर देखिए इसका भी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या हो रहा है, रिपल्शन, वही प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने आपको पिछले उसमें समझाई थी, ध्यान आपको आना चाहिए। ये देखो, ये वाली बात आपको समझाई थी मैंने कि अगर मान लीजिए यहां पर NH2 ग्रुप है, ये प्रोटॉन ले लिया इसने, ये प्रोटॉन, और ये साइड में लगा हुआ है क्या, ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है साइड में, ये CH3, अब ऊपर है NH3 पॉजिटिव आयन और नीचे है क्या ऑर्थो पोजीशन पर CH3, ये रिपेल करने लगे, यहां है आपका प्रॉब्लम, ये है आपका प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, ये इसको समझिए। ये तो ये जो एनिलीनियम आयन बना प्रोटॉन एडिशन के बाद इसमें, और ये जो आर्थो पोजीशन पर ये CH3 ग्रुप अटैक है, इनमें रिपल्सन हो रहा है। इन रिपल्सन क्यों हो रहा है, ये प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉन आने से इसको आ रही है गुस्सा, क्यों गुस्सा आ रही है, पहले इतना रिपल्सन नहीं था, प्रोटॉन आने के कारण अब इसको गुस्सा आ रही है, गुस्सा दिख रहा है, ये रिपल्सन जो दिख रहा है ये गुस्सा है, इसी बात को समझना है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि यह रिपल्सन इस बने हुए एनिलीनियम आयन, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड, ये बेस है, एनिलीन क्या है बेटा, बेस, और प्रोटॉन गेन करने के बाद क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ये जो कॉन्जुगेट एसिड है इस रिपल्सन के कारण इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, दिस इज लेस स्टेबल, ये कुछ डिस्टेबलाइज हो रहा है, इस रिपल्सन से डिस्टेबलाइज हो रहा है, पर लेस स्टेबल लिख दिया मैंने, डिस्टेबलाइज हो रहा है, ये कॉन्जुगेट एसिड
जो बना वो इस CH3 के इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल कर रहे हैं, इस रिपल्शन के कारण वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। समझ आ गया? तो इससे प्रोटॉन जोड़ने में, एनिलीन को प्रोटॉन को जोड़ने में, प्रोटॉन को कनेक्ट करने में, ऐड करने में उसे गुस्सा आया, इसे हमने बोला SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ये SIP है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटॉन के एडिशन, प्रोटॉन के एडिशन में, प्रोटॉन के जुड़ने में इसके स्टेरिक हिंड्रेंस ने प्रॉब्लम क्रिएट की, भैया आप आओ मत प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इस सिस्टम को हमने बोला स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसके कारण, समझे? और इस प्रोटोनेशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इस प्रॉब्लम से इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, ये डिस्टेबलाइज हो गया, ये डिस्टेबलाइज हो गया। जब ये डिस्टेबलाइज हो गया तो ये इस रिएक्शन को इस तरफ जाना चाहिए क्या? कम जाना चाहिए, बट एनिलीन में ऐसा नहीं था, एनिलीन में ये ग्रुप नहीं था, तो वहां SIP हमको नहीं दिख रहा था, वहां SIP नहीं था। आ गया ये, समझो एनिलीन में ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा एनिलीन में। अब बताओ ये आराम से रेस्ट करेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, रिपल्सन नहीं हो रहा है, बड़े खुश हैं। लेकिन जैसे यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप आया तो यहाँ रिपल्सन होने लगा, इस रिपल्सन ने ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया। जब स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई तो ये बेसिसिटी एनिलीन की कम हो जाएगी, समझ आ गया? तो इस इफेक्ट को हमने बोला आर्थो इफेक्ट, इसको क्या बोला हमने? आर्थो इफेक्ट। ध्यान दीजिए, इसी आर्थो इफेक्ट का नाम हमने क्या दिया? SIP। आपको समझ आया सब लोग को ये पॉइंट? आपको yes, मैं क्लीन कर दूं इसे, yes, sir. क्लीन कर दूं इसे, तो बताइए हम जो सोच रहे थे, हम जो पिछली क्लास में सोच रहे थे कि NH2 ये CH3 के इफेक्ट से, इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका प्लस एच इफेक्ट है, दोनों है, इसकी तो बेसिसिटी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन ये गलत साबित हुआ, ये गलत साबित हुआ। ये गलत क्यों साबित हुआ? मतलब हम जो सोच रहे थे कि एनिलीन के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए, ये मोर बेसिक होना चाहिए था, ये हमारा सोचना था ये। और हम किस बेस पर सोच रहे थे इसको? हम इस बेस पर सोच रहे थे कि इसका प्लस आई है, इसका प्लस एच भी है, अगर एच प्लस सबको याद होना चाहिए, ये एच ऐसा होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर कंसंट्रेट होंगे तो इसको पुश करेंगे, तो ये प्लस आई के कारण इसकी बेसिसिटी को बढ़ाएगा। हम तो ऐसा सोच रहे थे, लेकिन हमारा ये सोचना गलत है, यही सोचना हमारा गलत निकला, ठीक है? और हमारा आंसर गलत हो सकता था, लेकिन अब हम क्या सोच रहे हैं कि प्रोटॉन लेने के बाद जो NH3+ बना, जिसे हमने क्या बोला? कॉन्जुगेट एसिड। इस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम हो गई है। स्टेबिलिटी क्यों कम हो गई है? ये रिपल्सन है। ये रिपल्सन क्यों? क्योंकि आर्थो पोजीशन पर बल्की ग्रुप लगा है, ये बल्की ग्रुप लगा हुआ है, बल्की ग्रुप, ये भी बल्की, ये भी बल्की, रिपेल कर रहे हैं, और इस रिपल्सन के कारण ये बनना पसंद नहीं हो रहा है क्या? एनिलीन को NH3+ आयन माने प्रोटॉन लेना पसंद नहीं हो रहा है, पसंद नहीं कर रहा एनिलीन, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी। एनिलीन कह रहा है भाई मैं प्रोटॉन लूंगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, मैं प्रोटॉन नहीं लेना चाहता, डिस्टेबलाइज होगा, समझ गए? कौन सा एनिलीन? आर्थोमिथाइल एनिलीन। जबकि एनिलीन
समझ आ गया, एनिलीन ने कोई प्रॉब्लम नहीं की, वो ले लेगा प्रोटॉन। अब बताइए हमारा कंसेप्ट ये बन गया बेसिक स्ट्रेंथ दैट इज बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म्ड। ये कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आपको इस कॉन्जुगेट एसिड की बेसिसिटी पर विचार करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि एनिलीन या उसके सब्स्टिट्यूएंट के बेसिसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है। तो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म्ड। आ गया समझ में, कॉन्सेप्ट लिख ले। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपको मजा आएगा करने में। लिख लिया कॉन्सेप्ट, जल्दी बताइए। यस सर। देखो चार हमारे पास ये NH2 लोन पेयर, फटाफट आंसर दीजिएगा। आर्थो मिथाइल एनिलीन मेटा मिथाइल एनिलीन और पैरा मिथाइल एनिलीन, विच वन इज मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? पैरा मेटा फिर एनिलीन। बहुत बढ़िया, सबसे पहली चीज तो आप ये रख दो कि इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, बोलो। SIP आर्थो इफेक्ट, जिसे आप SIP बोल सकते हैं, SIP है। तो SIP का पूरा मीनिंग क्लियर हो गया अच्छे से। तो आपका ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये ऑर्डर हमारा क्लियर है कि सेकंड सबसे कम है और फर्स्ट उससे तो ज्यादा है। ये आर्थो इफेक्ट है पहला। अब इस पर प्लस आई लग रहा है, जरा सोचिए, एक इफेक्ट आपका प्लस आई है और दूसरा इफेक्ट बोलो कौन सा है जल्दी से। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच इस पर वर्क करेगा? नो सर। पर नहीं। अब इसको देखें, ये प्लस आई है, प्लस आई तो है ही, इसमें क्या प्लस एच वर्क कर रहा है इसमें? बिल्कुल कर रहा है। यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जरा देख लीजिए, ये थोड़ा एच हटा थोड़ी देर के लिए, ये इलेक्ट्रॉन अंदर, ये गया यहाँ पर डबल बॉन्ड, या यहाँ पर या जाएगा, क्या कर रहा है? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है और ये इसको और पुश कर रहा है। तो प्लस एच भी वर्क कर रहा है, प्लस आई भी वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्लस आई ओनली वर्क कर रहा है, यहाँ पर तो प्लस आई का मीनिंग ही नहीं है, प्लस एच का मीनिंग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आर्थो इफेक्ट शुरू हो गया, SIP शुरू हो गया। तो अब हम मेटा मतलब मैंने ये थर्ड दिया एंड सबसे ज्यादा हो जाएगा फोर्थ। तो पैरा वाला, देन मेटा वाला, देन खुद एनिलीन और सबसे कम आर्थो। तो दिस इज द ऑर्डर और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखने की जरूरत है। आगे समझ में हटा दें, आगे इसको फटाफट लिखिए, रीजन लिखिए, रीजन आर्थो इफेक्ट। तो आर्थो इफेक्ट के कारण एनिलीन की बेसिसिटी एनिलीन के रिस्पेक्ट में कम हो जाती है। आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जुड़े, तो उसकी बेसिसिटी एनिलीन के रिस्पेक्ट में कम हो जाती है। यह आर्थो इफेक्ट SIP के कारण है। SIP अकेला नहीं, मैं अभी आपको SIR के रिस्पेक्ट में भी बात करूंगा। चलिए
यदि मैं आपको एनिलीन फटाफट देखिएगा, अगर मैं एनिलीन आर्थो नाइट्रो एनिलीन मेटा नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन देता हूं तो डिसाइड करके बताइए कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होना चाहिए और ऑर्डर बनाइए जल्दी से, बहुत फास्ट ऑर्डर बनाइए। सर सबसे ज्यादा एनिलीन होना चाहिए, 1, 3, 4 तो फर्स्ट तो बिल्कुल क्लियर, क्योंकि इसमें भी माइनस आई है, इसमें भी माइनस आई है और इसमें भी माइनस आई है, बताइए माइनस आई तो तीनों में है, तो माइनस आई तीनों में है तो माइनस आई के कारण एसिडिटी तो कम होती है, तो सबसे ज्यादा तो हो गया फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट हो गया है ना, ठीक है ये फर्स्ट हो गया। अब बताओ उसके बाद कौन सा, ये क्या होना चाहिए इसमें जरा सोच के बताओ, माइनस आई तो है, कौन सी बात और होनी चाहिए, आर्थो इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट है, आर्थो इफेक्ट के कारण यहाँ जो आपको याद है पॉइंट याद है आपको कि नहीं, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म, मतलब जो प्रोटॉन यहाँ पर जुड़ेगा इससे, ये प्रोटॉन जुड़ेगा, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होने लगेगा, रिपल्सन, इस रिपल्सन के कारण इसकी स्टेबिलिटी एकदम क्या हो जाएगी, बहुत कम, तो ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पर प्रोटॉन जुड़े, तो आर्थो इफेक्ट हो गया। अब बताइए माइनस आर, ये क्या इसमें माइनस आर है, जल्दी बताइए, क्या मेटा पर माइनस आर ऑपरेट होगा, नहीं, लेकिन यहाँ पैरा पर माइनस आर भी ऑपरेट होगा, पैरा पर माइनस आर भी ऑपरेट होगा। अब बताइए आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होना चाहिए, 3, 4, 2 3, 4, 2 थ्री, हाँ सबसे पहले ये थ्री आ जाएगा थर्ड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, और बताइए अब इसमें और इसमें डिसाइड कीजिए, इसमें और इसमें डिसाइड कीजिए जल्दी से, पहला पोजीशन, इतनी देर, इतनी देर, फोर और आर्थो इफेक्ट वाला इतना कम, इसमें क्या क्या माइनस आई भी लग रहा है, आर्थो इफेक्ट भी लग रहा है, ये आर्थो इफेक्ट मतलब बल्कि हो रहा है ना यार, बल्कि होने के कारण ये रिपल्सन होगा और इस रिपल्सन का इफेक्ट होगा कि ये प्रोटोनेशन को रोकेगा, प्रोटोनेशन का रोकना माने यहाँ पे SIP शुरू हो जाएगा, आर्थो इफेक्ट मतलब SIP यहाँ पर, तो अब बताइए सबसे कम कौन हो गया, सेकेंड वाला, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, लिखिए जल्दी, कर दो क्लीन, चलिए मैं लगा रहा हूं यहां पे एनिलीन, एक लगाया मैंने सीएल ग्रुप, यहां पर मेटा पर सीएल ग्रुप, पैरा पर सीएल ग्रुप, मैंने ये बेंजोइक एसिड में भी एक्सप्लेन किया है CLF वाला, यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो YouTube पे पढ़ा उसको जरूर देख लीजिए कि FCLVRI में कौन कैसा रेजोनेंस हो रहा, बहुत अच्छे से मैंने उसे समझाया, उसको जरूर देखें, तो समझाइए इसको जल्दी से, एक्सप्लेन कीजिए, सबसे ज्यादा एनिलीन का अनडाउटेडली सबसे फर्स्ट तो एनिलीन तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो फर्स्ट तो रहेगा ही, आप सोचो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि सीएल का 3p ऑर्बिटल होता है, सीएल का 3p ऑर्बिटल होता है और ये कार्बन का 2p ऑर्बिटल होता है, और 3p का साइज बड़ा होता है और 2p का साइज छोटा होता है, तो इसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, ये मैंने आपको वहां समझा चुका हूं, तो यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग ये नहीं हो रही है, तो रेजोनेंस तो ना के बराबर है, आप अच्छे से समझ लीजिए, रेजोनेंस तो ना के बराबर, रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस तो यहाँ भी नहीं होगा, ये रेजोनेंस यहाँ भी नहीं है, और यहाँ तो रेजोनेंस का क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ तो रेजोनेंस यहाँ भी नहीं होगा,
ये रेजोनेंस नहीं है। अब सोचिए केवल कौन सा इफेक्ट देखना है, ध्यान से सुन लीजिए। जब हेलोजनो एफ को छोड़ दीजिए, क्योंकि एफ में 2p ऑर्बिटल और कार्बन का भी 2p ऑर्बिटल होता है, उसमें रेजोनेंस हो जाता है, ठीक है, और उसमें रेजोनेंस हो जाता है। एफ की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हुए भी कुछ प्रॉपर्टीज में बदल जाता है, मैंने बेंजोइक एसिड में से समझाया है। तो ये माइनस आर तो है ही नहीं। फिर अब ओनली माइनस आई से इसे आप एक्सप्लेन कीजिए। सीएल यदि लगा कर दें बेंजोइक एसिड में एसिडिटी देखना हो या एनिलीन में बेसिसिटी देखना हो तो आप केवल माइनस आई लगाएं, ओनली माइनस आई से आप इसे सॉल्व करें, ओनली माइनस आई से आप इसे सॉल्व करें। अब बताइए माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, सबको याद है माइनस आई कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। माइनस आई सबसे पास है, माइनस आई सबसे पास है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये दूर हो गया थोड़ा सा तो उतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ये सबसे ज्यादा दूर है, बस। तो ये आपका आंसर हो गया पैरा देन मेटा देन आर्थो, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। द एनिलीन इज मोस्ट बेसिक एंड देन पैरा बिकॉज ऑफ बेसिसिटी ऑफ एनिलीन इज डिसाइडेड बाई माइनस आई इफेक्ट ऑफ सी एल एंड विच इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। सबसे ज्यादा दूर है माइनस आई, बेसिसिटी ज्यादा, कम और कम। आ गया समझ में सब लोग को, जल्दी बताइए। यस सर। चेंज करें, चलिए मैं यहां पर एक ग्रुप लगा रहा हूं OCH3, फिर मेटा पोजीशन पर OCH3 एंड पैरा पोजीशन पर OCH3 ग्रुप मैंने ये लगा दिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी ऑक्सीजन हैलोजन हो तो लोन पेयर पहले बना लो, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करो, कि बाय चांस आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो वो क्लिक कर जाए। तो मैंने यहां पर लोन पेयर तैयार कर दिए। अब आपको बेसिसिटी डिसाइड करना है, बेसिसिटी डिसाइड कीजिए क्या होनी चाहिए। सर सबसे ज्यादा ऑर्थो का। अब ओ सी एच थ्री ग्रुप भी काफी बड़ा ग्रुप है और यहाँ पर क्या लगना है, किसको लगना है यहाँ पर, जल्दी बताइए किसको लगना है यहाँ पर, एच आई एन को। तो अब आप अच्छे से डिसाइड करना, सारे फैक्टर डिसाइड करना, माइनस आई प्लस आई जो भी आपको लगता है प्लस आर, उसके बाद फिर मुझे बताइए डिसाइड कीजिए। सर पैरा पे सबसे ज्यादा, हो गया डिसाइड, तुमने कर लिया डिसाइड। चलो सबसे पहले तो फैक्टर लगाइए, इसमें कोई फैक्टर नहीं है। क्या प्लस आर और इसमें भी हम प्लस आर की पहले बात कर लें, तो प्लस आर बताइए, इसमें तो प्लस आर लगेगा ही, ये दिख रहा है लोन पेयर पैरा पर प्लस आर, क्या इस पे प्लस आर ऑपरेट होगा, जल्दी बोलिए। नहीं, सबको मालूम है ना कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, कैसे प्लस आर, मैं एक बार फिर से बता देता हूं ताकि आपसे गलती ना हो। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन पर आ जाएगा, यहाँ से ये यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो ये इस कार्बन पर आ जाएगा, यहाँ से ये आगे बढ़ा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये इस कार्बन पर आ जाएगा। बताइए क्या इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी में कोई चेंज आया, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हुई क्या, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हुई, नो। बेंजीन में तो रेजोनेट किया, द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन रेजोनेट इन द बेंजीन रिंग बट नॉट एनहांस द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन दिस कार्बन, इस कार्बन पर कोई चार्ज डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुई, इसलिए हम कहेंगे प्लस आर नहीं है। चलिए तो मेटा पर ये प्लस आर नहीं है, इस पर तो प्लस आर है, इसको आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर डबल बॉन्ड आया,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ से ये आगे बढ़ा, यहाँ डबल बॉन्ड आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। बताइए इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चलेगा। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा, पेयर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो आपका सबसे ज्यादा हुआ ये, सबसे ज्यादा हुआ पैरा। पैरा के बाद बताइए, पैरा के बाद बताइए कौन, पैरा के बाद डिसाइड कीजिए कौन, पैरा के बाद वन। जल्दी से वन क्यों? यहां तो प्रॉब्लम शुरू हो गया है। कौन सा? ये एच है SIP. इसका स्टेरिक एंट्रेंस, इसका भी, ये लोन पेयर बड़े बड़े हैं, ये तो बहुत नालायक होते हैं लोन पेयर, बहुत जगह घेरते हैं, तो यहाँ पर भी रिपल्सन रहेगा। पैरा के बाद आना चाहिए एनिलीन, फर्स्ट एनिलीन स्टैंडर्ड। अब उसके बाद क्या आना चाहिए? हाँ, अब आपका आएगा कौन? आर्थो। ये आर्थो आएगा, आर्थो के बाद ये मेटा, मेटा में माइनस आई वर्क करेगा ओ का। ध्यान से सुन लो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन, तो कौन से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा? माइनस आई के कारण। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये सिग्मा वाले इलेक्ट्रॉन ये खींचेंगे और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के खींचने से मेटा की माइनस आई के कारण एसिडिटी सबसे कम हो जाएगी। तो यहां पर इस तरह का ऑर्डर बनेगा, ध्यान रखिए, लिखिए जल्दी। यहां भूलना नहीं, ये खतरनाक चीज, ये इस पॉजिटिव आयन को स्टेबलाइज करने से रोकेगा, SIP है ये, ये प्रोटोनेशन को होने से रोकेगा, आर्थो इफेक्ट यहां पर भी वर्क करेगा। तो लिखिए, द ऑर्डर इज पैरा सबसे ज्यादा, इट इज ड्यू टू प्लस आर, माइनस आई होगा बट वो नेग्लिजिबल होगा क्योंकि प्लस आर के रिस्पेक्ट में माइनस आई का इंपैक्ट उतना नहीं रहेगा, पर यहाँ प्लस आर तो है ही नहीं, ओनली माइनस आई रहेगा, यहाँ आर्थो इफेक्ट है और ये स्टैंडर्ड है, तो आपको इस तरह से इसे ध्यान रखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे सपोज अब मैं आपको और ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिए, मैंने यहां पर एक ग्रुप रख दिया, ये CH3 है, ये मैंने फिक्स कर दिया, सभी में ये ग्रुप CH3 मैंने फिक्स कर दिया, आर्थो इफेक्ट, आर्थो पोजीशन पर ये CH3 फिक्स कर दिया, इसका ये फिक्सिंग कर दी मैंने। अब मैं चेंज कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां एच है, एक CH3 मैंने यहां बढ़ा दिया, ठीक है, ये दो CH3 मैंने यहां पे बढ़ा दिए और यहां मैंने और ये ग्रुप कर दिया, चलिए ऐसा आइसोप्रोपाइल, और भी आप बढ़ा सकते हैं आगे। अब आपके सामने ये लोन पेयर है, अब बहुत अच्छे से इस बात को समझना है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ध्यान से सुनना, SIP लगने का तरीका और दूसरा SIR लगने का तरीका, ये दोनों SIP कब लगाते हैं और SIR कब हम यूज करते हैं, इस बात को हमें अच्छे तरीके से समझना है। हम जब
इस ग्रुप को फिक्स कर दें, आर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप है उसको हमने फिक्स कर दिया। अच्छे से सुनना, आर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप है इस ग्रुप को मैंने फिक्स कर दिया, माने इसका जो साइज है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका साइज फिक्स कर दिया। आर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप है उसका साइज सभी में फिक्स, अच्छे से समझना बात को, ये फिक्स कर दिया जाए। अब ये तो फिक्स हो गया, इसको वेरिएट कर रहे हैं हम, ये एच ये एच ये एच, जरा ये बड़ा हो गया थोड़ा ग्रुप। अब बताओ प्रोटॉन कौन आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में किसे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कॉन्सेप्ट बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म। किसका कॉन्जुगेट एसिड, प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन लेने के बाद कौन सा कॉन्जुगेट एसिड खुश रहेगा, जिसको रिपल्सन फील नहीं होगा, जिसको अच्छा लगेगा प्रोटॉन लेने में, एनिलीन को अच्छा लगे, जिस एनिलीन को प्रोटॉन लेने में अच्छा लगेगा, माने वो कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा, मींस वो कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा, मींस उसका एनिलीन उतना ज्यादा, उसका नाइट्रोजन ग्रुप का लोन पेयर उतना ज्यादा आसानी से डोनेट किया जाएगा, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो मुझे लगता है कि आप बताएं जल्दी से, उसके बताओ, इसमें प्रोटॉन यदि ले लेता है तो रिपल्सन तो यहां भी है, ये देखिए इसका साइज, और यहां प्रोटॉन लेता, ध्यान से सुनना, यहां प्रोटॉन लेता, ये प्रोटॉन ले लिया तो इसका साइज तो और बढ़ गया, इसका साइज बढ़ा तो इसमें रिपल्सन, ये जो रिपल्सन है ये रिपल्सन बढ़ेगा, ये रिपल्सन आपका बढ़ेगा, यहां पर ये रिपल्सन कम है, SIP इंक्रीज हो गया, यहां पर ये देखो यहां भी साइज है, यहां भी साइज, माने ये पूरा ग्रुप का बड़ा साइज हो गया, ये पूरा ग्रुप कहलाएगा, पूरा कंप्लीट ग्रुप। अब बताइए यहां पर जब HIN वो लेगा तो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, तो ये ग्रुप जब HIN लेने के बाद ये ग्रुप का साइज काफी बड़ा, तो इसमें रिपल्सन और ज्यादा बढ़ेगा, इसमें तो भयानक है यार, ये तो इतना बड़ा ग्रुप है और ऊपर से मतलब इतने उतनी कम जगह में इतने ज्यादा क्राउड, इतना ज्यादा भीड़ है कि एक और HIN आ जाए यहाँ पर, ये HIN आ गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो वेरी हाई रिपल्सन होगा। इसका मतलब हम इधर से इधर जाते हैं, हम इधर से इधर जाते हैं, बात ध्यान से सुन लीजिएगा, SIP स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोन एडिशन, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन इंक्रीज हो रहा है, माने इनहिबिशन इंक्रीज हो रहा है, यानी ये प्रोटॉन लेना पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये थोड़ा कह रहा ठीक है आ जाओ, ये थोड़ा ठीक है, और ये सबसे आसानी से प्रोटॉन लेना पसंद कर रहा है, तो सबसे आसानी से प्रोटॉन लेना ये पसंद कर रहा है और सबसे डिफिकल्टी से ये प्रोटॉन लेना पसंद कर रहा है, समझ आ गया, क्यों, क्योंकि इसका प्रोटॉन लेने के बाद साइज इतना बड़ा है कि ये और ये बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे हैं, SIP सबसे ज्यादा है, तो हम इधर से इधर जाते हैं, तो हमारा SIP माने स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन इंक्रीज हो रहा है, बात समझ रहे हैं, इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसके साइज को आप देखिए, साइज बढ़ते जा रहा है, इसका साइज सबसे छोटा, इससे और बड़ा, और ये और बड़ा साइज, और ये सबसे बड़ा साइज, तो मैक्सिमम SIP आपको इसमें मिलेगा, SIP सबसे ज्यादा इसमें मिलेगा और SIP सबसे कम इसमें मिलेगा, जब SIP इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये कॉन्जुगेट एसिड जो प्रोटॉन लेने के बाद जो बनाए कॉन्जुगेट एसिड, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, इसकी सबसे ज्यादा होगी, जब स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी तो एनिलीन सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो बेसिसिटी ऑफ दिस नाइट्रोजन इज लीस्ट बिकॉज ऑफ हाईएस्ट SIP, और इस नाइट्रोजन की बेसिसिटी सबसे ज्यादा है, तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे SIP कहां लगना है,
एस आई पी तब लगता है जब एच आई एन गेन करके ये कॉन्जुगेट एसिड बना लेता है. When एच आई एन गेन एंड फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड, दिस कॉन्जुगेट एसिड का साइज, और इसका साइज पर ध्यान दीजिए, इसका साइज मैंने फिक्स कर दिया, इसका साइज बढ़ते जा रहा है. इधर साइज बढ़ने से ये रिपल्सन बहुत बढ़ रहा है. इस रिपल्सन को हमने एस आई पी दिया, इसमें लो एस्ट एस आई है एस आई पी, और इसमें हाई एस्ट, इसमें लार्जेस्ट हाईएस्ट एस आई पी है. इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है. तो ये एनिलीन की, इस नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी सबसे कम हो गई, बेसिसिटी सबसे कम हो गई. क्या आपको ये बात समझ आई कि नहीं? समझ आ गए बच्चों? थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ नहीं है, काय का टफ है, बस समझ, इतना ही समझना यार, कितना सिंपल तो है. आप ज्यादा क्राउड होगा, तुम खाना खाने जाते हो किसी होटल वोटल में, या तुम जाते हो शादियों में पार्टियों में, टेबल लगे हुए हैं, जिस टेबल पर ज्यादा क्राउड है, क्या तुम उस टेबल पर जाके ऐसे उठाना चाहोगे? नहीं, बोले यार बहुत क्राउड है, वहां जाना ठीक नहीं है. तो ये प्रोटॉन भी यहाँ आना ठीक महसूस नहीं कर रहा है, क्या वही प्रॉब्लम है? साइज की बहुत बड़ा, बहुत क्राउड है, बहुत गुस्सा आएगी यहाँ आने पे, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ठीक ही, तो ये खुद नहीं पसंद करेगा कि यहाँ आओ. ठीक है, कोई फुल्की वाला आपको भगाने लगेगा, बोले भैया पहले वो चाट खा लो फिर आना, बहुत भीड़ है यार यहाँ. समझ आ गई? तो दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ एस आई पी. देन नेक्स्ट, तो एस आई पी कब लगेगा? ध्यान से सुन लेना, एस आई पी तब लगेगा जब ये आर्थो पोजीशन पर सेम ग्रुप लगे हुए हो, इसका साइज फिक्स हो और इसका साइज चेंज हो रहा हो. और जैसे जैसे एस आई पी, जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा, एस आई पी बढ़ते जाएगा, बेसिसिटी कम होते जाएगी, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम होते जाएगी. तो अब हम बात करते हैं, मैं चेंज कर रहा हूं, जो हमने अभी फिक्स किया था उसको चेंज करेंगे और ऊपर वाले को फिक्स करेंगे. ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ये CH3 ये फिक्स कर दिए, तभी मैं ये मैं फिक्स कर रहा हूं. ये देखिए, आप HH भी ले सकते हैं, कोई एक ग्रुप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप फिक्सिंग कर दीजिए, किसी की भी आप फिक्सिंग कर दीजिए. मैंने दोनों CH3 ले लिए, दोनों CH3, ये पूरा पूरा का पूरा इसका साइज मैंने फिक्स कर दिया. ये फिक्स, ये मैंने सेम ग्रुप ले लिए, ये मैंने फिक्स कर दिए, ये ग्रुप मैंने फिक्स कर दिए. अब मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं, यहां पर मैंने लिया CH3, यहां पर मैंने लिया CH3 CH2, मैंने यहां पर लिया एक और बड़ा ग्रुप, और मैंने यहां पर ले लिया ये. अब देखो अब क्या हो रहा है, अब ध्यान से सुनना, ये जो लोन पेयर है रिंग में रेजोनेट करना चाहता है, ये लोन पेयर चाह रहा है कि और मैं एनिलीन और ले लेता हूं. यहां पर एक एनिलीन का भी मैं आपको समझा देता हूं सिस्टम, अकेला एनिलीन है ये. देखो ये जो अकेला एनिलीन है, इसका लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड आसानी से रेजोनेट करता है, ये रेजोनेट करता है, 100% रेजोनेट है, ये 100% रेजोनेट कर रहा है, 100% रेजोनेट कर रहा है इसमें. लेकिन
इसको आप यहाँ तो आपने ये फिक्स कर दिया, आप चाहें तो यहाँ पर एच एच भी ले सकते थे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने यहाँ पर ये ले लिया। अब प्रॉब्लम क्या, इसका ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको रिपेल करता है, तो जब रिपेल करेगा तो ये जो है कैसे हो जाएंगे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बतलाए थे, पिछली वाली क्लास में, ये ऐसा रहेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, या आप ये ऐसा रहे तो ये एनिलीन ऐसा हो जाएगा। अब एनिलीन का लोन पेयर, एनिलीन का लोन पेयर और बेंजीन रिंग, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि एनिलीन का लोन पेयर रिंग में रेजोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, या कम करेगा। अब बताओ ये रेजोनेंस आपका 100% हो रहा था, ये रेजोनेंस सपोज, ये वाला रेजोनेंस सपोज इसमें होने लगा 40%, क्या हुआ, इसको बोला गया ये जब लोन पेयर इसके साथ रेजोनेट ना करे तो हम इसे बोलेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, एंड दिस इज द केस ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। इसमें क्या हुआ, ये लोन पेयर इसके इसके बल्कि होने के कारण परपेंडिकुलर आ गया, लोन पेयर और ये परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर आने के कारण इसका रेजोनेंस कम हो गया। अब बताओ अवेलेबिलिटी, यहां पर पूरा जा रहा था, यहां पर 40%, यहां देखिए ग्रुप बढ़ गया, ये और बड़ा ग्रुप है, इसके ग्रुप बढ़ने से ये और ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया, इसका SIR और बढ़ गया, इसका SIR बढ़ गया, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, ये 40% जा रहा था तो ये सपोज 30% ही रेजोनेट कर रहा है, ये सपोज अब ये ग्रुप और बढ़ गया तो इस ग्रुप के बढ़ने के कारण ये लोन पेयर सपोज 20%, ये मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूं, ये 20% 30% अपनी तरफ से, कि आपको बात समझ आ जाए कि यहाँ पे पूरा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस कम होते जा रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस कम हो रहा है, माने स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस का वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है, इनहिबिशन का वैल्यू बढ़ रहा है माने रेजोनेंस कम हो रहा है, तो यहाँ रेजोनेंस कम हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस 20% बचा, और यहाँ तो इतना बड़ा ग्रुप आ गया कि ये पूरा ऐसा हो गया कंप्लीटली परमानेंटली, तो ये आप मान लो सपोज कि ये लोन पेयर रेजोनेट होके 10% ही रेजोनेट हो रहा है। अब बताओ सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी आप लोन पेयर, तो SIR यहां से यहां तक SIR बढ़ते गया, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इंक्रीज हो रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इंक्रीज हो रहा है, माने दिस लोन पेयर रेजोनेट विद द बेंजीन रिंग लीस्ट बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट साइज विच रिपेल्स टू द दिस ग्रुप, एंड दिस लोन पेयर इज कंप्लीटली परपेंडिकुलर टू द बेंजीन रिंग प्लेन। आ गया समझ में आपको, तो ये आपका SIR बढ़ रहा है, SIR बढ़ने से क्या हो रहा है, यहाँ का लोन पेयर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर जाने पर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, सबसे ज्यादा इस पर लोन पेयर है और सबसे कम इस पर लोन पेयर है। इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये रहेगा क्योंकि इसका लोन पेयर मैक्सिमम नाइट्रोजन पर अवेलेबल रहेगा, जबकि इसमें बेसिसिटी सबसे कम रहेगी क्योंकि इसका लोन पेयर सबसे कम अवेलेबल है, ये सबसे ज्यादा अवेलेबल है, ये रेजोनेट ही नहीं कर पा रहा है इसके कारण, तो ये आपका क्या हुआ SIR। अब आपको ध्यान देना होगा इस बात पर, तो जब ये ग्रुप जो है एनिलीन के नाइट्रोजन पर जो ग्रुप लगे वो फिक्स कर दिए जाएं और आर्थो पोजीशन पर साइज ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ते जाए तो SIR बढ़ते जाएगा, SIR बढ़ेगा, SIR इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा इस डायरेक्शन में होते जाएगी। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं आपको ये? यस सर। तो बेटा सब लोग को ये बात क्लियर हुई, आगे बढ़ा दूं?
तो आप ये कॉन्सेप्ट लिख लो, बहुत सिंपल है, बस यहां पर दो छोटी छोटी बातें देखना, यहां पर गड़बड़ी नहीं होगी, अब यहां पर गड़बड़ी नहीं होगी। कर दू क्लीन, आप क्लिप ले लिया करो, ये ग्रुप समझ में आ गया, अब मैं कर क्या रहा हूं ये समझ आ गया आपको। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जितना कम रेजोनेट करेगा बेंजीन रिंग में, नाइट्रोजन पर उतना ज्यादा अवेलेबल होगा, जितना ज्यादा अवेलेबल होगा इलेक्ट्रॉन पेयर उतना आसानी से डोनेट करेगा, जितना आसानी से डोनेट करेगा वो उतना स्ट्रांगेस्ट होगा। तो दो जगह अब आपको ध्यान रखना, कब SiP यूज करना है और कब SiR यूज करना है, दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है इतना टफ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया है। देन बाकी बहुत सारे केसेस मैंने इससे पहले डील कर दिए हैं तुम लोग को। चलिए, अब मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है एनिलीन की बेसिसिटी में। अब बताओ क्या यहाँ पर, बस मुझे क्वेश्चन देन आंसर। क्या यहां पर आर्थो इफेक्ट वैलिड होगा? जल्दी आंसर दो। नो सर। नहीं, यहां बेंजीन एनिलीन पर, ये एनिलीन है आर्थो मिथाइल एनिलीन, ध्यान देना बेटा, आर्थो मिथाइल एनिलीन, ये तो साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है भाई, साइक्लोहेक्सेन, ये इस पर आर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। तो जब भी कभी क्वेश्चन आए तो देख लेना कि ये है कि नहीं बेंजीन रिंग, नहीं तो आप गड़बड़ कर दो। ठीक है, इस पर आर्थो इफेक्ट लगेगा, इस पर आर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। समझ आ गया, कहीं गड़बड़ नहीं करना, आप लिख लीजिएगा। अब मैं पूछूं कौन ज्यादा बेसिक है, तो आप बता ही सकते हो ना कौन ज्यादा बेसिक, जल्दी बताओ, विच वन इज मोर बेसिक? राइट वाला, ये बहुत ज्यादा बेसिक है, मोर बहुत ज्यादा बेसिक है उसके रिस्पेक्ट में। क्यों? रीजन आंसर, रीजन दीजिए। एक तो नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा, ये कौन सा है? sp2, और ये कार्बन कौन सा है? sp3। ठीक है, एक बात, ये पहली बात ध्यान दे दीजिए, sp3 इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये कार्बन, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, ये नहीं खींच रहा है। दूसरी बात, इसका लोन पेयर भले ही यहाँ पर CH3 है, कुछ ना कुछ तो रेजोनेट होगा, ऐसा नहीं है, रेजोनेट तो होगा, वो थोड़ा बहुत होगा रेजोनेट, पूरा नहीं होगा तो कुछ कम होगा, और इसमें तो रेजोनेंस बिल्कुल ही नहीं है। इसमें एक और है, प्लस आई है, इधर से भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये देखिए प्लस आई, तो प्लस आई का इफेक्ट भी है इसमें। प्लस आई की तो बात छोड़ दो, उल्टा कौन सा है sp2 का, बोलो माइनस आई, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, तो ये मोर बेसिक है। तो ऐसे आपको सारे लॉजिक लगाने चाहिए। लिख लिया सब लोगों ने? तो अपने को बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इतने सिंपल आएंगे कि तुमको वो बहुत आराम से बन जाएंगे। ये सबसे ज्यादा हमको ये पूछा गया है नीट में, चलिए बताइए मुझे, ये चार आपके सामने है, तीन आपके सामने है, इनका ऑर्डर बनाइए जल्दी से, ऑर्डर चाहिए मुझे इसका, ऑर्डर चाहिए। एक और, फिर टू, फिर वन, एक और लिख देता हूं, आप बताइए। ये इतनी देर, सबसे लीस्ट बेसिक ये, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेट कर रहा है,
लोन पेयर रेजोनेट कर रहा है, तो ये तो सबसे लीस्ट हो गया। अब बताओ मोस्ट बता दो, मोस्ट सबसे लीस्ट ये हो गया फर्स्ट, और सोचिए आपके सामने NH2 या CH2NH2, बताइए फोर्थ क्यों? सर दिन में SP3 कार्बन और CH2 भी, ये भी तो है। तो यहाँ दो प्लस आई हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करता बेटा, ये प्लस आई दो दो इधर से लगे हुए हैं और इसमें थोड़ा दूर हो गए दो प्लस आई, ये याद करो ये वाला ग्रुप ऐसा NH2 हो और एक यहाँ पर ऐसा हो NH2 जिसमें यहाँ पर CH3 लगाओ, एक में यहाँ पर लगाओ, तो वैसे ये तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? थर्ड। सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो गया? थर्ड। ये मोस्ट बेसिक, ये लीस्ट बेसिक। अब इन दोनों में डिसाइड करो, ठीक, इन दोनों में अगर अपन डिसाइड करें तो यही ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? फोर्थ क्यों ज्यादा रहेगा बताओ? क्योंकि यहाँ पर रिंग नहीं है, यहाँ पर ये जो कार्बन है सब sp3 है, ये जो कार्बन है सब sp3 है, और यहाँ पर ये कार्बन कौन सा है sp2, और ये बेंजीन रिंग का कौन सा इफेक्ट यहाँ पे वर्क करेगा जल्दी बताइए? माइनस आई। तो ये यहाँ पर लिख लीजिए, ये माइनस आई है, उसके कारण यहाँ पर ये पोजीशन इसकी आ जाएगी, किसकी आएगी? फोर्थ, सेकंड नंबर पर फोर्थ आएगा, फिर ये थर्ड नंबर पर आ जाएगा, थर्ड है ना ये, सेकंड है, ये आर्डर हो जाएगा, ये सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। आप बात क्लियर हो गई? ये माइनस आई एग्जर्ट करेगा, C6H5 एग्जर्ट माइनस आई इफेक्ट, C6H5 का माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, यदि वो इस तरह से लगाओ, और वही यदि इससे डायरेक्ट लगा हो तो अब बताओ ये कौन सा इफेक्ट होता है? लोन पेयर गेन कर रहा है, ये रेजोनेंस इफेक्ट होता है इसका, तो ये रेजोनेंस, इसका हम बोलेंगे प्लस आर, इसका प्लस आर ये रेजोनेट कर रहा है। क्या यहाँ का नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेट करेगा इसमें? क्या ये रेजोनेंस होगा? नहीं। तो फिर ये बेंजीन रिंग कौन सा इफेक्ट एग्जर्ट करेगी? माइनस आई, एंड माइनस आई डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एमीन, तो ये माइनस आई हो जाएगा, और इसमें तो प्लस आई है और इसमें भी प्लस आई है, बट ये थोड़ा दूर है, ये पास है, बस प्लस आई पास लगा रहे तो बेसिसिटी बढ़ेगी, दूर लगा रहे तो घटेगी। तो ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन जो आईटी में भी पूछा गया है, मैंने आपको 11th 12th में भी कराया है, पर फिर भी इसको एक बार और कराते हैं, आप इसे विद कॉन्सेप्ट सॉल्व करके बताएंगे, ऑर्डर बताएंगे मुझे कि कौन ज्यादा बेसिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये, इससे इंपॉर्टेंट केस कोई सा भी नहीं है। जब भी क्वेश्चन आए तो लोन पेयर पहले बना लो, आपको लोन पेयर बना के दिए नहीं जाएंगे, ठीक है, आपको लोन पेयर बना के दिए नहीं जाएंगे, ये सबसे ज्यादा थर्ड। एक और दे देता हूं तो आपको मजा आए करने में, ये नाइट्रोजन पर लोन पे, ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास 5 है ये, और मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होना चाहिए? सर थर्ड फिर फर्स्ट। वेल डन, आपने पहचान लिया, थर्ड तो सबसे ज्यादा बेसिक है ही, थर्ड रीजन, हाँ ये रीजन आपको क्लियर हो गया ना, प्लस आई है इधर से, दो प्लस आई लगे हुए हैं, ठीक, पहली बात, और कोई इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप नहीं है, तो ये तो आपका बिल्कुल ऑर्डर में थर्ड नंबर का सबसे पहले आ गया था, ये थर्ड नंबर का सबसे पहले आ गया। अब बताइए सबसे लीस्ट बेसिक कौन सा होना चाहिए? सबसे लीस्ट बेसिक सेकंड, क्योंकि अपन सेकंड बोलो जल्दी आंसर, सेकंड, वेल डन, ये सेकंड, ऐसा क्यों? रीजन दो जल्दी से। एरोमेटिक, ओ ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेट तो कर ही रहा है, ये देखिए रेजोनेट तो कर ही रहा है, साथ में रेजोनेट करने के बाद एरोमेटिक स्टेबिलिटी भी गेन कर रहा है,
एरोमेटिक स्टेबिलिटी भी गेन कर रहा है। कितनी खास बात, रेजोनेंस तो है ही एरो में, रेजोनेंस के बाद सिक्स पाई की एरोमेटिक स्टेबिलिटी, क्या ये लोन पेयर डोनेट करने देंगे? कभी नहीं करने देंगे। क्या इतना ज्यादा स्टेबल है, अरे तू क्यों जा रहा है, अपन तो बहुत स्टेबल है, जाने ही नहीं देंगे। हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज अलोंग विद द एरोमेटिसिटी एंड दिस लोन पेयर इज लीस्ट अवेलेबल ऑन दिस नाइट्रोजन, लोन पेयर लीस्ट अवेलेबल ऑन दिस नाइट्रोजन एंड द लीस्ट बेसिक टू, वेल डन थर्ड। और ये सेकंड नंबर का आपका यहां आ गया, लीस्ट बेसिक हो गया। अब इसके बाद का कंपेयर करना है आपको इनमें, इनमें और इनमें, जल्दी से सर, फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ। इसके बाद फर्स्ट या फोर्थ, जल्दी से देखिए, समझिए नाइट्रोजन का यह लोन पेयर, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बोलिए, सिग्मा लोन पेयर, यह हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। और नाइट्रोजन यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो H लगा दीजिए, ये बात मालूम है कि नहीं? जब कुछ नहीं लगा हो तो अपन क्या लगा देते हैं? H लगा देते हैं। अब बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर। ये नाइट्रोजन कैसा है बोलिए? sp3। कौन सा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखेगा, देगा नहीं, डोनेट नहीं करेगा, बताइए? ये या ये? ये होल्ड करके रखेगा, ये होल्ड करके रखेगा। क्या होल्डिंग? बोले भाई मैं sp2 थोड़ा कंजूस हूं मैं, और ये कंजूस नहीं है, ये दिलदार है, बोले ले जाओ लोन पेयर। आ गया समझ में ये अंतर, ये डिफरेंस समझ आ गया? तो सबसे ज्यादा आपका ये हुआ, सबसे कम ये हुआ। अब इन तीनों में डिसाइड करना, यहां पर क्या है, ये लोन पेयर, ये देखिए रेजोनेट किया, ये आगे बढ़ गया, यहां पर प्लस आर है इसका, यहां रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो यहां भी है, बट इसके रेजोनेंस से इसकी एरोमेटिसिटी पर आंच आ रही है, एरोमेटिसिटी लॉस हो रहा है, इसको गुस्सा आ रही है, क्यों आ रहा है? हम ऑलरेडी स्टेबल है, तू क्यों आ रहा है? लेकिन फिर भी ठस रहा है, कई ऐसे होते हैं जबरदस्ती ठसते है, वो ही वाला है, बट रेजोनेट कर गया, बट इसमें रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस इसमें नहीं है, इसमें रेजोनेंस हो गया है। बात क्लियर हो गई है कि नहीं? इसमें रेजोनेंस हो गया है, इसमें रेजोनेंस क्या, देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऑलरेडी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये लोन पेयर कभी भी रेजोनेट नहीं करेगा, ये लोन पेयर रेजोनेट नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा? ये लोन पेयर रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिक्स पाई का एरोमेटिक स्टेबिलिटी इसके अंदर ऑलरेडी है, ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये आए, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये कहां पर है? उसी नाइट्रोजन पर लोन पेयर है जिससे ये डबल बॉन्ड जुड़ा है। तो अगर तुमने बोले सर कर दें तो कर दोगे तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ऐसा स्ट्रक्चर तुमने कभी देखा है नाइट्रोजन का? ये एसपी होगा और एसपी का बॉन्ड एंगल 120 हो, ये बर्दाश्त नहीं। ये चीज भी मैं पूरी तरह से समझा चुका हूं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये लोन पेयर रेजोनेट नहीं करेगा, तो ये अवेलेबल है। आगे समझ, अब इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये कम है ये ज्यादा है, ये कम है ये कम है ये ज्यादा है। अब इसमें और इसमें कंपेयर कर दीजिए जल्दी से, करिए। ये कौन सा है? sp3 है, ये sp3, और ये कौन सा है? sp2 है। तो और माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन बहुत दूर है माइनस आई, यहां तो ये खुद ही sp2 है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा है, माने ये फोर्थ नंबर का आपका यहां आएगा, ये फोर्थ होगा, उसके बाद कौन होगा? ये फर्स्ट नंबर पर, और देन सबसे लास्ट में कौन सा आना, ये आ गया, और ये अब कौन सा रह गया है? फोर्थ नहीं फिफ्थ होगा, सेकंड फिफ्थ आएगा। सबसे मैंने कि ग्लोबल कर दिया, लिख दिया, सेकंड पे फिफ्थ आएगा सर, थर्ड के बाद फिफ्थ है सर, थर्ड के बाद, अच्छा ये फिफ्थ, हाँ ये मैंने फोर लिख दिया है ना, फोर कौन सा? ये है थर्ड के बाद, नंबर नहीं डाले थे, थर्ड के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद कौन सा आएगा? वन, और वन के बाद कौन सा सबसे लास्ट में? ये वाला है ना, फोर्थ आ जाएगा ये। तो आपको चलिए वो नंबर डाल लेना आप लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको इनका? Yes, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो पिरिडीन, ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है अपने को,
कि pyridine is more basic than pyrrole, ठीक है, तो pyridine is more basic than pyrrole, already आपको क्लियर है, अब सब बातें क्लियर हो गई, चलिए रखते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, बिल्कुल जम के संघर्ष कीजिए, मान लीजिए कि संघर्ष तुम्हारा जितना ज्यादा, संघर्ष तुम्हारा जितना ज्यादा कठिन होगा, जितना ज्यादा स्ट्रगल तुम्हारा टफ होगा, जीत उतनी शानदार होगी, मजा आ जाएगा, बस आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।